नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पुणे के दौरे पर गए। वे सुबह 11 बजे वहां पहुंचे और सबसे पहले दगडूशेठ हलवाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो एसपी कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार बैठे नजर आए। पीएम ने कहा, आज मैंने दगडूशेठ मंदिर में पूजा की। दगडूशेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की स्थापना पर शामिल हुए थे। ये सम्मान अविस्मरणीय है। जो संस्थान सीधे तौर पर तिलक जी से जुड़ा हो, उससे लोकमान्य तिलक सम्मान सौभाग्य की बात है। अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो गंगा जी को समर्पित करता हूँ। नमामि गंगे परियोजनाओं के लिए इसे दान देने का फैसला किया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।